News 18, India. जयपुर में हिजाब का मुद्दा लगातार गहरा जा रहा है। हम गंगा पुल स्कूल के बारे में, गंगा पुल स्कूल वही स्कूल है जहाँ इस बात को लेकर विवाद है कि वहाँ जो लड़कियाँ हिजाब पहनती, आरोप लगाता है कि हवा महल से विधायक है रामाल भट्टाचार्य कहा कि हिजाब पहनने से रोके। दूसरी तरफ तो यहाँ पर छात्राएं हैं, आप देखते हैं बड़ी संख्या में छात्राएं और ये वो लड़कियां हैं क्योंकि मुस्लिम लड़कियों ने एक दिन पहले प्रदर्शन किया था, आज हिंदू लड़कियां हैं ये और इन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि ये हुआ पहले की। क्या नाम है आपका? क्या वहाँ पर हिजाब पहनते उसे क्या आपत्ति है? तो आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है हम ड्रेस पहन के जाते हैं, वो बुर्का पहन के आती है तो वो अलग लगती है हमसे। फिर क्या मतलब है ड्रेस बनवाने का? जैसे हम भी बुर्का पहन के जाएंगे कल से। हाँ, अगर वो हिजाब पहन सकते तो हम बुर्का क्यों नहीं पहन सकते? अब स्कूल यूनिफॉर्म बनाई है तो फिर वही पहने ना। स्कूल यूनिफॉर्म किसलिए बनाई है? सरकार द्वारा लागू कराई गई है तो वो पहन के आए ना, क्या जरूरत है बुर्का पहन के? फेमस हो जाएगा कैमरे में तो पहनने के बाद भी बुर्का पहन के जाएंगे। फेमस हो जाएगा ये बुर्का पहन के जब कल हमने इन चार साल को एप्लीकेशन दिया था कि कल हमारे स्कूल में दो पुलिस वाले होने चाहिए तो आज पुलिस वाले क्यों नहीं थे? हम स्कूल गए थे सब भी नहीं थे। आज उठाए थे सब भी नहीं थे। तो क्या हुआ आपके साथ? झगड़ा हुआ था आज टाइम पे स्कूल से, आज टाइम पे क्योंकि कोई मीडिया वालों ने पूछा था पापा के बारे में, हमने बताया तो उन लड़कियों ने मेरे पर हमला किया था। आप पर हाँ 20 लड़कियाँ थी कम से कम, उन्होंने हमला किया था मेरे ऊपर। ये भी थी वहाँ पे मीडिया सारी देख रही थी, मीडिया ने रिकॉर्ड किया है। दूसरा वहाँ पर मंदिर को लेकर क्या बात है? वहाँ पे सरस्वती माता की मूर्ति ऑफिस में रखी गई है, जब कोई फंक्शन होता है तब उनको बाहर निकालते हैं और उनको पन्नी में लपेट के रख देते हैं। पन्नी खा रखती है मैडम, ये नहीं पता खा रखती है, पन्नी में लपेट के रख देते हैं। है ना स्कूल के अंदर कुछ नहीं, सामने मजा आया। और आज मतलब हरी चादर वगैरह जो होती है वो करते हैं करते हैं उस पर, और ना सारी लड़कियाँ वो पढ़ते हैं अंदर कुछ और आज तक हमने कभी आवाज ही नहीं उठाई, रोटी का फायदा उठाती है और आज हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। और आज तो उन्होंने स्कूल में हमला किया, कल को बाहर हमला करेगी। टीचर पढ़ते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। मजाक भी बनी हुई सीसीटीवी कैमरे वो तोड़ दिए, हां वो बहुत पहले टूट चुके ताकि किसी को उनकी सच्चाई ना पता लगे। वो ये सीएसआई सारे नहीं भाई बाहर नहीं जाएगी बाहर, और आज हमारे साथ बाहर इसके अंदर हमला हुआ, कल को वो बाहर हमला करेगी हमारे ऊपर। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका आप सब लंबी से लेकर बात कर रहे हैं, ये स्कूल की छात्राएं हैं, इनका कहना है कि अगर स्कूल के अंदर अगर हिजाब पहन कर आने की इजाज़त नहीं होगी तो बुर्का पहन कर।